Hello everyone, welcome to the selection mentor. आज का हम लोगों का जो टॉपिक है, जो कि हमारे MCQ सीरीज चल रही है, उस सीरीज में हम लोगों का ये नेक्स्ट पार्ट है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उसकी सीरीज में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके लिए आप लोग हमारा जो YouTube चैनल है उसको ज्वाइन करिए, साथ ही साथ जो टेलीग्राम आईडी है जिससे आप लोग डायरेक्ट अपने मेंटर से कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, उसको आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। इवन इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं, देरी ना करते हुए, हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। हर्ट्ज इज यूज्ड टू मेजर, ठीक है, हर्ट्ज का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग ये जानते हैं कि हर्ट्ज जो होती है ये एक इकाई होती है, ठीक है, और इकाई जो है वो हमेशा मापन की पद्धतियों में, यानी कि किसी ना किसी चीज को मापने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर ऑप्शंस में दिए हुए हैं बल, आवृत्ति, चुंबकीय प्रवाह या विद्युत आवेश, यानी कि फोर्स, फ्रिक्वेंसी, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फोर्थ वन ऑप्शन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम लोग जानते हैं कि ज्यादातर हम लोग आवृत्ति के लिए, यानी कि फ्रीक्वेंसी, ठीक है, आवृत्ति के लिए यानी कि फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, हम लोग यूज करते हैं हर्ट्ज की इकाई का। और खास तौर पर यहां पर जो आवृत्ति होती है, क्योंकि देखो कोई भी एनर्जी होगी, कोई भी ऊर्जा होगी, ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पे, यानी कि वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होगी और एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, ठीक है। और इसमें हर एक एनर्जी की एक खास तौर पर फ्रीक्वेंसी होती है, और जो कि आपकी मैकेनिकल वेव्स होती हैं, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स यानी कि यांत्रिक तरंगे जो होती हैं, उनकी आपके हमेशा क्या मिलेगी, एक आवृत्ति मिलेगी। अब चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हों, ठीक है, यानी कि अनुप्रस्थ तरंगे हों, चाहे वो आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे हों, ठीक है, क्लियर, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो और चाहे वो आपकी आपका जो भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं वो हों, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देखें तो हर्ट्ज के आधार पर हम लोग क्या मेजर करते हैं, आवृत्ति। और इसी के आधार पर हर्ट्ज में खासतौर पर साउंड यानी कि ध्वनि से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। और ध्वनि के आधार पर अगर हम लोग देखें तो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि जो हमारा 0 to 20 यानी कि शून्य से लेकर के 20 हर्ट्ज का जो साउंड होता है ये हमारा क्या कहलाता है, ये इंफ्रासोनिक साउंड कहलाता है, यानी कि अपश्रव्य तरंगे इनको कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं, अपश्रव्य तरंगे, जिसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं, खास तौर पर जो आपकी सेस्मिक वेव्स होती हैं, यानी कि भूकंपीय, भूकंप जब भी कभी आता है तो जो सेस्मिक वेव्स हैं जिनमें की PQR वेव्स होती हैं, तो इनमें अगर देखा जाए तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स की ड्रिफ्ट में जो साउंड उत्पन्न होता है, जो ध्वनि उत्पन्न होती है, वो अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति में आती है। इवन जो रेप्टाइल्स होते हैं यानी कि सरीसृप, तो सरीसृप आपस में कम्युनिकेशन के लिए जो ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं वो भी आपका कौन सा होता है, अपश्रव्य तरंगे होती हैं, ठीक है। और इनकी आवृत्ति कितनी होती है, 0 to 20 hertz तक, और इनको हम लोग बिल्कुल नहीं सुन सकते क्योंकि ये हमारे जो ऑडिबल रीजन है उससे बाहर का साउंड होता है, ठीक है। वहीं तो हम लोग देखें तो जो 20 to 20,000 यानी कि 20 to 20,000 हर्ट्ज का जो साउंड है ये आपका क्या कहलाता है, सोनिक साउंड, यानी कि इनको कहते हैं हम लोग श्रव्य तरंगे, और हम लोग इसी फ्रीक्वेंसी यानी कि इसी आवृत्ति की ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें कि 20,000 यानी कि 20,000 और उससे अबव यानी कि उससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी का जो साउंड होता है ये हमारा क्या कहलाता है, अल्ट्रासोनिक साउंड, यानी कि पराश्रव्य तरंगे, ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, पराश्रव्य तरंगे इनको कहा जाता है। और हम लोग इस ध्वनि को भी नहीं सुन पाते हैं, ये खास तौर पर आप लोगों ने देखा होगा रात के समय पर चमगादड़ शिकार करता है, और वो किसी भी चीज से उड़ता भी रहता है, शिकार भी कर लेता है, टकराता नहीं है, वो
कौन से साउंड यूज करता है? तो पराश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल करता है, ठीक है। डॉग्स भी इस साउंड को सुन सकते हैं आसानी से और इसके प्रति रिएक्ट भी करते हैं पराश्रव्य तरंगों के। मेडिकल के फील्ड में यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में देखा जाए तो जब भी कभी शरीर के अंदर कोई व्याधि हो जाती है, खासतौर पर हमारे एब्डोमिनल पोर्शन पर, एब्डोमिन का पोर्शन कौन सा है, जो हमारे बेटा यहाँ पर जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, हमारा चेस्ट हो गया, और चेस्ट के बाद हमारा क्या होता है, डायाफ्राम होता है, ठीक है, और डायाफ्राम के बाद हमारा आमाशय यानी कि स्टमक, लिवर, यकृत, पैंक्रियाज, आंतें, ये सभी होती है और ये पोर्शन हमारा एब्डोमेन का पोर्शन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर शरीर में अगर कोई व्याधि हो जाती है तो एब्डोमिनल पोर्शन को एग्जामिन करने के लिए डॉक्टर कहता है जाकर के अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेकर के आओ। किसी को पथरी हो गई है तो कहते हैं अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेकर के आओ। तो वहां पर भी हम लोग पराश्रव्य तरंगों का यानी कि अल्ट्रासोनिक साउंड का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जो हर्ट्ज है, हर्ट्ज किसको मापने के लिए यूज की जाती है, तो फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, यानी कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है, ठीक है। तो यहां पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं, मनीला, कटक, रंगून और मैक्सिको, ठीक है। तो यहां पर चार ऑप्शन आपके आ रहे हैं। तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें, क्योंकि यहां पर सबसे पहली चीज तो है कि नेशनल ना होकर के क्या है, इंटरनेशनल है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय यानी कि पूरे विश्व की बात हो रही है, ठीक है। और वहीं अगर हम लोग बात करें कि ये जो है, अगर इंडिया की बात करें तो वहां पर होता कि नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, इन चारों में से जो शहर है आपका मनीला, और ये मनीला कहाँ का शहर है, तो ये आपका फिलीपींस का की राजधानी भी है, ठीक है, फिलीपींस की ये राजधानी है, और मनीला में ही आपका क्या है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि IRRI, ठीक है। और इवन इन्होंने यहां पर जो है वैश्विक पैमाने पर, ठीक है, इनका मोटो क्या है, वैश्विक पैमाने पर अच्छी गुणवत्ता का चावल हो सके। अब राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है यानी कि चावल अनुसंधान संस्थान, ठीक है, यहां पर किसकी किस पर रिसर्च होती है, तो राइस पर रिसर्च होती है, ठीक है। और राइट इनका जो मेन मोटो है, वो इनका मोटो क्या है, IRRI का यानी कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो मोटो है वो क्या है, राइट राइस, राइट राइस फॉर द बेटर, फॉर द बेटर वर्ल्ड, राइट राइस फॉर द बेटर वर्ल्ड, ठीक है। तो ये किसका है, किसका मोटो है, आपका राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का मोटो है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें, यानी कि जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसका जो स्थापना है, स्थापना की गई थी 1960 में, यानी कि इसका अस्तित्व यानी कि इसका जो स्थापना दिवस है वो है 1960 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है ये आपका कहाँ पर है, लैगुआना पे, यानी कि जो हेडक्वार्टर है ये भी फिलीपींस का ही एक शहर है, वहां पर एक लेक है, झील है, जिसका नाम है लैगुआना, ठीक है, लैगुना, लैगुना लेक है। तो लैगुना लेक यानी कि झील के चारों तरफ यहां पर एक शहर पर भी विकसित है जिसका नाम है लगुना, और लगुना या इसको हम लोग यानी कि इसका दूसरा नाम भी है शहर का, लास बैनोस, लास बैनोस में इसका क्या है, इसका हेडक्वार्टर है, किसका, चावल अनुसंधान संस्थान का, ठीक है। तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, तो वो मनीला में है। लेकिन अगर बात करी जाए नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, तो वो है आपका बेटा कटक में, ठीक है। अगर नेशनल की बात की जाए तो कटक, और इंटरनेशनल की बात करी जाए, अंतरराष्ट्रीय की बात करी जाए, तो वो है मनीला में। अगला प्रश्न है, द विटामिन व्हिच इज जनरली
excreted in human urine is, यानी कि मानव मूत्र में आम तौर पर उत्सर्जित होने वाला विटामिन है। तो मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित हो जाता है इसकी अगर बात करें तो देखिए मूत्र यानी कि यूरिन, यूरिन का लार्जेस्ट पोर्शन किससे बना हुआ है, हमारे वाटर से यानी कि जल से बना हुआ है। ठीक है, तो हमारे मूत्र के द्वारा कौन सा विटामिन का लॉस हो जाएगा या कौन सा निकलेगा, तो जो हमारे विटामिन क्या है, जल में घुलनशील है। ठीक है, किसमें है, जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील विटामिन वो हमारे मूत्र के साथ क्या हो जाएंगे, हमारे शरीर से वो निष्कासित हो जाएंगे यानी कि निकल जाएंगे। और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं आपके, बी कॉम्प्लेक्स यानी कि बी समूह के सभी। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स यानी कि बी1 से B12 तक सारे 8 विटामिन और विटामिन सी। ठीक है, ये दो आपके क्या है, जल में घुलनशील विटामिन। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपका क्या है, विटामिन ए, ई, के और सी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, विटामिन सी, क्योंकि जो चीजें जल में घुल गई हैं, जैसे आपने चीनी को पानी में घोल दिया और फिर उसके बाद उस पानी को अगर आपने फेंक दिया तो चीनी का भी तो लॉस होगा, वैसे ही जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो जल में घुले हुए हैं और जब वाटर लॉस होगा तो ये विटामिन हमारे शरीर से निष्कासित हो जाएंगे। और इसीलिए जल में घुलनशील विटामिन की आवश्यकता रोजमर्रा के खाने में हमें ज्यादा होती है, यानी कि डेली डाइट में इनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। ठीक है, क्लियर। अब विटामिन सी हमारा इम्यून विटामिन भी कहलाता है, यानी कि प्रतिरक्षी विटामिन, क्योंकि बीमारियों से बचाने में भी ये काम करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ठीक है, पिछले 2 सालों से आप लोग कोरोना के समय पर आप लोग सुनते भी आ रहे हैं कि शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो विटामिन सी का कंजम्पशन बढ़ाना है। ठीक है, तो इसको प्रतिरक्षी विटामिन भी कहा जाता है, किसको, विटामिन सी को। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। जिम्नोस्पर्म आर प्लांट इन व्हिच सीड्स आर इनक्लोज्ड। जिम्नोस्पर्म वे पौधे हैं जिनमें बीज संलग्न होते हैं। ऑप्शंस है इन अ पेटल, पंखुड़ी में, इन अ हार्ड कोट, सख्त कोट में यानी कि कवर के अंदर, इन अ फ्लैशी फ्रूट यानी कि एक आकर्षक फल के अंदर, या नन ऑफ द अबव। तो अब पहली चीज हम लोग बात करें जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म को क्या कहा जाता है। जिम्नो का मतलब होता है, अगर कभी भी आप देखिए तो जिम्नो का मतलब होता है नेकेड। ठीक है, क्या होता है, नेकेड। और स्पर्म, स्पर्म का मतलब क्या हो गया, सीड। तो जिम्नोस्पर्म पादप जगत का वो वर्ग है जिनमें नग्न बीज पाए जाते हैं, यानी कि बीज खुले हुए होते हैं, नग्न होते हैं। ठीक है, नेकेड सीड। और इनको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अनावृत बीजी। क्या कहते हैं, अनावृत बीजी इनको कहा जाता है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म को क्या कहा जाता है, अनावृत बीजी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहां पर आवरण जिसके ऊपर ना हो वो अनावृत, यानी कि ढका हुआ ना हो, और अनावृत वो भी बीजी यानी कि सीड। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो अनावृत बीजी है यानी कि ओपन सीड पाए जाते हैं किसमें, जिम्नोस्पर्म में। तो जब ओपन सीड है तो वो पंखुड़ी से लगे रही होंगे। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। हार्ड कोट, सख्त कोट के अंदर होते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। फ्रूट बिल्कुल नहीं होता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ द अबव। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ पौधे, कुछ वृक्ष देखे होंगे, जैसे आपके पाइन, ठीक है, पाइन देखा होगा, या चीड़ देखा होगा, चीड़ का पेड़ देखा होगा, या देवदार का देखा होगा। ये खासतौर पर हायर एल्टीट्यूड यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, जो पर्वतीय वन है उनमें ये मुख्य पेड़ होते हैं। ठीक है, चीड़, देवदार, पाइन, तो इन ये सभी आपके क्या होते हैं, ये जिम्नोस्पर्म में आते हैं और इनमें ओपन सीड स्ट्रक्चर होता है। और साथ ही साथ एक प्रश्न और पूछा जाता है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लिविंग फॉसिल। ठीक है, क्या पूछा जाता है, लिविंग फॉसिल यानी कि जीवित जीवाश्म किनको कहा जाता है, तब भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका जिम्नोस्पर्म ही हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए वहां पर ऑप्शन में दिया हुआ है क्या कि आपका वृक्षों के नाम दिए हुए हैं, आम दे दिया, पीपल दे दिया, देवदार दे दिया,
केला दे दिया, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? देवदार हो जाएगा। ठीक है, तो लिविंग फॉसिल यानी कि जीवित जीवाश्म के रूप में किसको जाना जाता है? तो जिम्नोस्पर्म को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय व्हिच, प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। यह प्रकृति की एक प्रक्रिया है। सूर्य की किरणों का अवशोषण होता है या जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि सन रेज की प्रेजेंस में यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे क्या करते हैं? पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण कर रहे हैं और पौधों में भोजन का जो निर्माण है वो किस फॉर्म में होता है? तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है ये क्या है? हरे पौधे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं इसमें, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। प्राकृतिक प्रक्रिया है ये नहीं होगा राइट आंसर। देखिए, प्राकृतिक प्रक्रिया है अपने आप होती है। ठीक है, पेड़ पौधे है, सूर्य की किरणों का अवशोषण होता है भाई, जब अवशोषण होगा, ठीक है, जड़ों के द्वारा जल भी अवशोषित हो, लेकिन उत्पाद क्या बनेगा? उत्पाद क्या बनेगा? भोजन बनेगा, जो कि किस रूप में होगा? कार्बोहाइड्रेट के रूप में होगा। तो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वह है जिसके द्वारा हरे पौधे कार्बोहाइड्रेट यानी कि अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न है हमारा, ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड व्हिच, शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा जीवित पक्षी है जो, ऑप्शंस, घोड़े की तरह चलता है, अपने पंखों का उपयोग नहीं करता, एक और जानवर है, या इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रिच कहाँ पाए जाते हैं, तो जो हमारा एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है, एक महाद्वीप है, और इस महाद्वीप को हम लोग क्या कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप ऐसा है जिससे हमारे क्या होती है, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों हमारी निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम अफ्रीकन आईलैंड को देखें तो अफ्रीका का जो नॉर्दर्न रीजन है यहाँ तो आपका सहारा मरुस्थल है, और सहारा मरुस्थल में आपके ऑस्ट्रिच नहीं पाए जाते, जो इसके दक्षिणी भाग में, ठीक है, दक्षिणी भाग में यहाँ पर जो मरुस्थल है वहां पर ऑस्ट्रिच पाए जाते हैं। और ऑस्ट्रिच इट इज द लार्जेस्ट बर्ड ऑफ द वर्ल्ड यानी कि पृथ्वी की या विश्व की सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी जो है वो कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग है यानी कि ऑस्ट्रिच है। ठीक है, साथ ही साथ ये पक्षी बड़ा इतना है लेकिन इसके पंख छोटे होते हैं तो ये उड़ नहीं पाता, ये दौड़ता है, तो ये अपने पंखों का उपयोग नहीं करता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो शुतुरमुर्ग का यानी कि ऑस्ट्रिच का जो साइंटिफिक नेम है, ठीक है, तो साइंटिफिक नेम यानी कि वैज्ञानिक नाम, जैसे हम लोगों का होमो सैपियंस सैपियंस है, ठीक है, मेढक का राना टिग्रीना है, आम का मैग्निफेरा इंडिका है, गेहूं का ट्रिटिका मैस्टिवम है, ठीक है, साइंटिफिक नेम, चावल का ओराइजा सेटाइवा है, वैसे ही जो आपका शुतुरमुर्ग है इसका साइंटिफिक नेम होता है स्ट्रूथियो कैमिलस। ठीक है, तो ये कैमल ऊंट की तरह, इसकी लंबी गर्दन भी होती है, ठीक है, तो कैमिलस और स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा? स्ट्रूथियो कैमिलस। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट मोस्ट, यानी कि निम्न में से किसमें सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है? ऑप्शन है जौ, मक्का, गेहूं, चावल। ठीक है, तो यहां पर कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज अगर मान लीजिए हम ड्राई वेट के अकॉर्डिंग बात करते हैं यानी कि शुष्क भार के आधार पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपका जो जौ होता है यानी कि बार्ले होता है, बार्ले में जो कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज होता है वो कितना होता है? तो दैट इज 62-77%। ठीक है, जौ में कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज क्या होता है? 62-77%। और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, ये धीरे धीरे डिसॉल्व होता है ब्लड में, और इसीलिए जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको जौ या मोटा अनाज खाने के लिए कहा जाता है। ठीक है, वहीं मक्के की बात करें तो मक्का यानी कि कॉर्न
मक्का या मेज या कॉर्न, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज होता है इसके ड्राई वेट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये होता है 72.8% मक्के में होता है। गेहूं की अगर हम बात करें तो गेहूं में हमारा जो कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज होता है दैट इज 58%, ठीक है। और वही चावल की अगर हम बात करें, राइस की बात करें, तो राइस में जो कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज होता है उसके ड्राई वेट के अकॉर्डिंग तो वो होता है आपका 80%, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो जो व्हीट होता है, व्हीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोटीन कितना होता है, तो गेहूं में 10% प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। प्रोटीन कितनी होती है गेहूं में, 10% प्रोटीन होती है, ठीक है। और यहां पर जो प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट किसमें सबसे ज्यादा है, तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी आप देख लीजिए तो सर्वाधिक मात्रा में क्या है, चावल में पाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट किस रूप में रहता है, तो स्टार्च के रूप में रहता है, ठीक है। स्टार्च जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग मंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मंड के रूप में ये कार्बोहाइड्रेट इनमें रहता है और जो कि हमें खाने के द्वारा हम लोगों को प्राप्त होता है, ठीक है। तो सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट किसमें है, तो चावल में है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, अल्कोहलिक किण्वन किसकी विशेषता है, यानी कि किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन किस कौन करवाता है, वायरस, विषाणु, एल्गी, शैवाल, ईस्ट, खमीर या बैक्टीरिया, जीवाणु। तो कभी भी आप देखते हैं कि फर्मेंटेशन, चाहे वो अल्कोहल में फर्मेंटेशन हो, क्योंकि अल्कोहल यानी कि एथिल अल्कोहल में किण्वन की प्रक्रिया के लिए क्या मिलाया जाता है, उसमें ईस्ट डाला जाता है। और इवन आप लोग जो ब्रेड कंज्यूम करते हो तो ब्रेड में भी क्या होता है, ईस्ट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ब्रेड अंदर से फूल करके फर्मेंटेशन की वजह से उनमें बबल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, तो छिद्र युक्त हो जाती है, ठीक है। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, खमीर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ईस्ट का। और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो ब्रेड है वो क्या हो जाती है, फूल जाती है, और साथ ही साथ अगर देखिए तो अल्कोहल का भी निर्माण होता है। तो ईस्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वेजिटेबल ऑयल्स आर, वनस्पति तेल क्या होते हैं, ठीक है। तो वेजिटेबल ऑयल क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि असंतृप्त वसा, वसीय अम्ल, एसेंशियल ऑयल ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट यानी कि आवश्यक तेल जो पेड़ों से हमें मिलते हैं, ग्लिसराइड्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि संतृप्त वसाओं के ग्लिसराइड, या ग्लिसराइड्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि असंतृप्त वसाओं के ग्लिसराइड्स। तो सबसे पहली चीज यहां पर आ रहा है अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। देखिए वसाएं होती हैं और वसाएं क्या होती हैं, कार्बनिक होती हैं, यानी कि इनको ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहा जाता है। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है यानी कि इसमें क्या प्रेजेंट होगा, कार्बन। तो अगर दो कार्बन के बीच में आपका अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो ये क्या होगा, ये कहलाता है आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि संतृप्त वसाएं कहलाती हैं। अगर दो कार्बन के बीच में यानी कि जो कार्बन श्रृंखला है उनमें दो कार्बनों के बीच में आपका क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वो क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाता है, ठीक है। तो जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो होते हैं ग्लिसराइड्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि असंतृप्त वसाओं के ग्लिसराइड्स होते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इज, एक जैविक उत्प्रेरक है, एक एंजाइम, एक अमीनो एसिड, एक कार्बोहाइड्रेट या नाइट्रोजन अणु। तो यहां पर हम लोग देखें बायोलॉजिकल कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक, उत्प्रेरक का काम क्या होता है, उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट का काम होता है कि ये क्या करे, अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे। और हम लोगों के शरीर में क्या होता है, हम लोगों के शरीर में मेटाबॉलिज्म चलती है, उपापचयी क्रियाएं चलती हैं, जिस पर कौन काम करता है, जिस पर एंजाइम्स काम करते हैं। तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के रूप में यानी कि जैविक उत्प्रेरक के रूप में किसको जाना जाता है, तो राइट आंसर होगा आपका एंजाइम, ठीक है। अमीनो एसिड को कहा जाता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन किससे मिलकर के बनी होती है, तो अमीनो एसिड से बनी होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, द ऑल इंडिया वेदर रिपोर्ट इज इशूड फ्रॉम, यानी कि अखिल भारतीय मौसम रिपोर्ट कहां से जारी की जाती है।
ऑप्शंस हैं देहरादून, मसूरी, पुणे और दिल्ली। तो सबसे पहली चीज जो हम लोग वेदर अपडेट देखते हैं कि आज का मौसम कैसा रहेगा, आज बारिश होगी कि आज क्या होगा, तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से पता चलता है? वेदर से। तो जब समाचार सुनते हैं तो भी वेदर रिपोर्ट हमें दिखाई जाती है। तो वेदर रिपोर्ट के लिए जो मुख्यालय बने हुए हैं वो दो जगह बने हुए हैं इंडिया में, एक तो पुणे में है और दूसरा दिल्ली में है। लेकिन जो ब्रॉडकास्टिंग होती है वो कहाँ से होती है? तो ब्रॉडकास्टिंग होती है यानी कि इसका प्रसारण किया जाता है कहाँ से? ब्रॉडकास्टिंग होती है पुणे से। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग कहाँ से होती है? तो पुणे से की जाती है। तो अखिल भारतीय मौसम रिपोर्ट कहाँ से जारी की जाती है यानी कि इशूड फ्रॉम? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पुणे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर इज, यानी कि नाइट्रोजन जो हमारे वायुमंडल में उपस्थित है उसका अनुपात क्या है? 20% बाई वेट, 50% बाई वेट, 70% बाई वेट या 78% बाई वॉल्यूम? देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं कहाँ पर? नाइट्रोजन की एयर में, और गैस है तो गैस का हम लोग हमेशा क्या मेजर करते हैं, क्या नापते हैं? वेट नहीं, उसका नापा जाता है वॉल्यूम यानी कि उसका आयतन मापा मापा जाता है। और हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन। और इसका वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जो परसेंटेज है वो आपका कितना है? 78%। तो 78% हमारा क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन। सेकेंड नंबर पर क्या है? ऑक्सीजन, जो कि आपका 20.95% है वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, जिसको हम लोग 21% भी कह देते हैं। थर्ड नंबर पर है हमारा ऑर्गन यानी कि जो कि इनर्ट गैस है, और इसका परसेंटेज कितना है? 0.93% होता है। और चौथे नंबर पर है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे भारी गैस है, तो इसका परसेंटेज कितना होता है? 0.036% होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो और ये सभी चीजें किसके आधार पर है? आयतन के आधार पर यानी कि वॉल्यूम के आधार पर। तो नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है? 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट, यानी कि निम्न में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? तो स्पेसिफिक हीट ऑप्शन है एसीटोन, शराब यानी कि अगर हम बात करें तो शराब को हम लोग एथिल अल्कोहल या इथेनॉल भी कह देते हैं, इथेनॉल ही होता है। ठीक है, इथेनॉल या एथिल अल्कोहल, वाटर या ईथर। तो इनकी जो विशिष्ट ऊष्मा है उसकी अगर हम बात करें तो विशिष्ट ऊष्मा को हमेशा किसमें मेजर किया जाता है? जूल पर कैल्विन पर किलोग्राम में मेजर किया जाता है। ठीक है, और एसीटोन का अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा यहां पर हम लोग अगर बात करें कि जो डिफरेंट यहाँ पर चीजें दी हुई हैं इनमें ईथर का जो स्पेसिफिक हीट होती है, विशिष्ट ऊष्मा होती है, वो होती है 2.01। ठीक है, क्लियर? 2.21 के अप्रोक्स होती है, 2.21 होती है ईथर की। वाटर की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तो 4.18 होती है। ठीक है, एथेनॉल यानी कि एथिल अल्कोहल की अगर हम बात करें तो इसकी स्पेसिफिक हीट होती है 2.57। ठीक है, और वहीं एसीटोन की अगर हम बात करें तो इसकी भी स्पेसिफिक हीट होती है 2.15। ठीक है, तो जूल पर कैल्विन पर किलोग्राम। तो इन सभी में सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है? तो हमेशा सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी ज्यादा है? तो जल की। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा यानी कि वाटर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेम द विटामिन व्हिच कॉजेस द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार विटामिन कौन सा है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि अगर विटामिन के नहीं होगा हमारे ब्लड में तो रक्त का थक्का कभी भी नहीं जमने वाला। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? विटामिन के। अगला प्रश्न है हमारा, द ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट विद द हाईएस्ट कैलोरिफिक वैल्यू, यानी कि उच्चतम कैलोरी मान वाला कार्बनिक पोषक तत्व कौन सा है? प्रोटीन, फैट, स्टार्च या शुगर? तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जैसे आप लोग कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि हमें स्टार्च से, मंड से यानी कि कार्बोहाइड्रेट, और इसी का सिंपलेस्ट फॉर्म अगर हम लोग देखें तो शुगर, शुगर से फिर क्या आ जाता है? ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है उसकी अगर बात करी जाए तो जब हमारी बॉडी में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज जो होता है या ऑक्सीडेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, तो हमें मिलती है 4.2 कैलोरी एनर्जी। ठीक है,
प्रोटीन का जब ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तो 4.1 कैलोरी एनर्जी लगभग आपका कार्बोहाइड्रेट के बराबर। वहीं फैट की बात करें तो फैट जब ऑक्सीडाइज होगा, यानी कि 1 ग्राम ऑफ फैट हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तो ये हमें प्रोवाइड करता है 9.1 कैलोरी एनर्जी। तो कैलोरीफिक वैल्यू के आधार पर सर्वाधिक मान वाला कार्बनिक पोषक तत्व तो कौन हो जाएगा, तो वसा हो जाएगा, यानी कि फैट। फैट एज अ रिजर्व फूड मटेरियल हमारी बॉडी में स्टोर रहता है इमरजेंसी के समय पर, जब कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तब फैट का नंबर आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि फैट, यानी कि वसा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू।